Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. सो टूडेज़ वीडियो इज अबाउट सेक्शन फाइव स्कोप ऑफ टोटल इनकम सो स्कोप ऑफ टोटल इनकम इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट रिलेटेड टू यग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू स्कोप ऑफ टोटल इनकम तो इस वीडियो में हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में बात करने वाले हैं और इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था रेजिडेंशियल स्टेटस का अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको पहले देखे बिकॉज वही वीडियो इसका बेस है बिकॉज अगर हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट की बातें करेंगे तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको इसमें से थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे फॉर uh, अंडरस्टैंडिंग तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्कोप ऑफ टोटल इनकम सो स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम इज कवर्ड अंडर सेक्शन फाइव सेक्शन फाइव के अंदर स्कोप ऑफ टोटल इनकम कवर है इफ़ यू रिमेंबर वी हैव स्टडीड रेसिडेंशियल स्टेटस एंड रेसिडेंशियल स्टेटस इज कवर्ड अंडर सेक्शन सिक्स तो सेक्शन सिक्स में हमने पढ़ा था रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई भी इंडिविजुअल अगर इंडिया का रेसिडेंट होगा तो वो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है वन इज़ कॉल्ड एज आर ओ आर एंड अनदर इज़ कॉल्ड एज आर एंड ओ आर और अगर वो रेसिडेंट नहीं होता तो वो बनेगा नॉन रेसिडेंट ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी सो स्कोप ऑफ टोटल इनकम एक्चुअली है क्या स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमें क्या करना है कोई भी इंडिविजुअल जितना भी अर्निंग करता है जितने भी पैसे कमाता है वो किसे टैक्सेबल होंगे वेदर इट इज़ टैक्सेबल टू रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट री रेसिडेंट या वेदर इट इज टैक्सेबल टू ओनली नॉन रेसिडेंट ये सारी बातें हम स्कोप ऑफ टोटल इनकम में एक एक करके सीखेंगे देर आर सर्टन रूल्स देर आर सर्टन पॉइंट विच वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट लेकिन ये सारे रूल्स अपने आप में कन्फ्यूजिंग है बिकॉज कभी हम वर्ड यूज uh, किया हुआ देखेंगे डीम टू बी रिसीव्ड कभी हम वर्ड देखेंगे रिसीव्ड तो दैट विल बी क्रिएटिंग अ लॉड ऑफ कन्फ्यूजन एक्व और अराइज इन इंडिया ये सारी पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनकम फ्रॉम एनी सोर्स विच नंबर ए इज रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन सच ईयर बाय और अनदर और ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन और एक्रिव और अराइज देखो इसका मैं आपको सिंपल एक चार्ट फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली exactly किस तरीके से आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है अभी आपको बार बार ये वर्ड मिलेंगे एक होता है डीम्ड डीम्ड का मतलब होता है अज्यूम्ड एक होता है एक्रूड और अराइज इन इंडिया तो एक्रू भी हुआ है या अराइज इन इंडिया हुआ है वो सारी बातें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे तो सेक्शन सेवन में जो पॉइंट्स कवर है देखो अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा सेक्शन फाइव सेक्शन फाइव कवर स्कोप ऑफ टोटल इनकम तो सेक्शन सेवन बोलता है इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इनकम डीम्ड टू बी डीम्ड का मतलब होता है अज्यूम्ड टू बी मतलब जैसे मैंने बोला इनकम अर्न इन इंडिया एंड सेंट अब्रॉड तो इनकम अगर इंडिया में रिसीव हुआ है या इनकम अगर इंडिया में एक्रीव हुआ है और उससे अगर हम फॉरेन में लेके जाएंगे तो हमें देखना है कि किसको टैक्सेबल होगा उसके लिए हम एक एक करके चार्ट डिस्कस करेंगे बट पहले थोड़े रूल्स देखते हैं इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ये सबसे इजी पॉइंट है जैसे मैंने आपको बोला इनकम रिसीव्ड इन मुंबई इनकम रिसीव्ड इन दिल्ली इनकम रिसीव्ड इन कोलकाता इनकम रिसीव्ड इन चेन्नई ऑल दिस पॉइंट्स आर रिसीव्ड इन इंडिया सो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हो इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो इनकम एक और अराइज इन इंडिया हो ये सारे पॉइंट्स हमारे सेक्शन सेवन में कवर होते हैं नेक्स्ट इज इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया जो हमने अभी बात की सेक्शन सेवन में आता है सेक्शन सेवन के अंदर ये डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया कवर हुआ है नेक्स्ट इज सम पॉइंट्स रिलेटेड टू आरपीएफ पी रिकोगनाइज प्रोविडेंट फंड इसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा सा थियोरटिकल पॉइंट्स इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट टू आर पी एफ दिस इज जस्ट फॉर योर इंट्रोडक्शन पार्ट तो ये अभी आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा इसको हम सैलरी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सो सेक्शन फाइव डील्स विद वॉट सेक्शन फाइव डील्स विद स्कोप ऑफ टोटल इनकम एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमें करना क्या है स्कोप ऑफ टोटल इनकम में हमें ये देखना है कि जो भी इनकम इंडिया में अर्न हुआ है या जो भी इनकम इंडिया में डीम टू बी अर्ड हुआ है या एक्रूड और अराइज इन इंडिया हुआ है उसको किसको टैक्सेबल करना है तो तीन पर्सन हमारे क्वेश्चन में आएंगे एक होगा रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दूसरा होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और तीसरा होगा नॉन रेसिडेंट सो दिस इज द पॉइंट इनकम के बारे में हमने इनकम पढ़ा था इन दी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आपको इनकम के बारे में बताया था कि पर्सन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था इनकम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था सो so, देखो इनकम के टोटल एट कैटेगरीज के बेसिस पे यहाँ पे इनकम डिवाइड हुआ है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इनकम एक्रूड और अराइज इन इंडिया इनकम डीम टू हैव बीन एक्रूड और अराइज इन इंडिया तो जितने पॉइंट्स आप पढ़ोगे उतने पॉइंट्स में आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये डीम टू बी एक्रूड या रिसीव्ड इन इंडिया क्या है इसका मैं एक सिंपल आपको थम रूल बताने वाला हूँ लास्ट में कि तीन रूल्स अगर आप याद रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा तो इसके लिए के तीन रूल्स क्या है देखो एक्ट काफी डिफिकल्ट तरीके से प्रेजेंट किया जाता है लेकिन अगर हम उस एक्ट का क्रक्स देखें अगर हम उस एक्ट के बेसिक पॉइंट्स देखें और वो अगर समझ ले तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पेपर एज कंसर्न सो सिंस इट्स एक्ट उसमें सेक्शन सेवन में सारी चीजें बताई गई है सेक्शन सेवन में डीम टू बी रिसव इन इंडिया एक्रूड और अराइज इन इंडिया बहुत सारे पॉइंट्स उसमें दिए गए हैं कि बिजनेस अगर इंडिया में एस्टैब्लिश होगा और या फिर बिजनेस अगर फॉरेन में एस्टैब्लिश होगा उसका कंट्रोलिंग अगर इंडिया से हुआ तो क्या करना है ये सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे बढ़ते हैं ये है काफी इंपॉर्टेंट देखो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी वो पूरी थेरोटिकल बेस है ये अगर चार्ट आप याद रखो तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगा ये चार्ट को बाय हार्ट नहीं करना है दोज हु आर मगिंग अप द चार्ट विल फेस प्रॉब्लम्स तो इसीलिए डू नॉट बाय हार्ट दिस चार्ट मैं आपको तीन थर्म रूल बताऊंगा वो तीन रूल अगर आप याद रखोगे तो आपको ये क्वेश्चन स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा तो दिस इज़ द चार्ट फॉर स्कोप ऑफ टोटल इनकम सो स्कोप ऑफ टोटल इनकम कौन सेक्शन में कवर है सेक्शन फाइव में कवर है सो so, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया देखो हर बार तो आपको इंडिया का नाम इंडिया के जगह पे इंडिया नहीं आएगा कोई भी स्टेट का नाम आ सकता है जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लू इनकम रिसीवड इन मुंबई इनकम रिसीवड इन दिल्ली इनकम रिसिव्ड इन चेन्नई इनकम रिसिव्ड इन कोलकाता इनकम रिसिव इन एनी एनी पॉइंट वी कैन कंसिडर जो इंडिया में आता है वो अगर हमने देखा अगर हमने पैसा इंडिया में कमाया तो टैक्स भी हमें इंडिया में ही भरना पड़ेगा सो so, इसीलिए तीन लोगों के लिए आपको क्वेश्चन में जैसे आपको क्वेश्चन किस तरीके से आएगा आपको क्वेश्चन रहेगा आपको पॉइंट दिया जाएगा इनकम रिसिव इन मुंबई अमाउंट दिया जाएगा से फॉर एग्जाम्पल फिफ्टी थाउजेंड और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इनकम रिस्यूड इन इंडिया है या इनकम रिस्यूड इन जो भी नाम आया हुआ है वो आर ओ आर को टैक्सेबल है आर एन ओ आर को टैक्सेबल है या एन आर को टैक्सेबल है तो आपको बेस बताता हूँ इनकम रिस्यूड इन इंडिया आया तो सभी लोगों को टैक्सेबल है फर्स्ट को भी टैक्सेबल सेकेंड को भी टैक्सेबल एंड थर्ड को भी टैक्सेबल मतलब आर ओ आर को भी टैक्सेबल आर ओ आर का फुल फॉर्म क्या है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट R &R का फुल फॉर्म क्या है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एनआर का फुल फॉर्म क्या है नॉन रेसिडेंट सो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया रूल नंबर वन सो ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट नाउ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया रूल नंबर वन टैक्सेबल फॉर ऑल इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया डीम्ड का मतलब होता है अज्यूम्ड इनकम अज्यूम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया दैट इज ऑल्सो टैक्सेबल फॉर ऑल मतलब हमें यही देखना है कि इंडिया का अगर नाम आया तो टैक्सेबल फॉर ऑल नेक्स्ट इज इनकम एक और अराइजिंग इन इंडिया तो ये भी एक पॉइंट है एक इंडिया में हुआ है अराइज अगर इंडिया में हुआ है जैसे से फॉर एग्जाम्पल इनकम रिसिव्ड इन डेली एंड रिसिव्ड इन रशिया तो इनकम रिसिव इन डेली है रिसीव्ड इन रशिया मतलब इनकम एक कहां हुआ है दिल्ली में मतलब इंडिया में और रिसीव कहाँ हुआ है फॉरेन में मतलब रशिया में लेकिन एक्रीव अगर उसका इंडिया है तो सब में आएगा दूसरी बात इसको ऑपोजिट तरीके से सोचते हैं इनकम रिसीव्ड इन रश इनकम अर्न इन रशिया रिसीव्ड इन इंडिया मतलब इनकम कहाँ पे अर्न हुआ है रशिया में लेकिन मिला किधर है इंडिया में तो भी सब में आएगा तो मैं आपको ये चारों पॉइंट से एक ही पॉइंट बताऊंगा जितने भी पॉइंट हमने लिखे इनकम रिसिव इन इंडिया इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इनकम और अराइजिंग इन इंडिया इनकम डीम टू बी और अराइजिंग इन इंडिया ये सभी पॉइंट के लिए एक ही थम रूल आपको याद रखना है तो टोटल तो तीन रूल से ये पूरा चार्ट आप बैट कर सकते हो नंबर वन इनकम अगर इंडिया में मिला है या इनकम अगर इंडिया में एक्रू हुआ है और या इनकम अगर इंडिया में डीम टू बी हुआ है मतलब सिंपल चीज बताता हूँ इनकम अगर इंडिया से रिलेटेड है तो फिर टैक्सेबल सभी लोगों को हो जाएगा दैट मीन्स इंडिया का नाम अगर आया तो सब में लिखना है यही बेस है बाकी कुछ भी रूल आपको बाहट करने की जरूरत नहीं है नंबर वन अगर इनकम अगर इंडिया में मिलता है इंडिया से रिलेटेड अगर इनकम है इंडिया में एक्रू होता है किसी भी तरीके से इंडिया का नाम अगर आता है तो फिर सभी लोगों को टैक्सेबल हो जाएगा दैट इज कॉल्ड इट विल भी टैक्सेबल टू रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड एनआर सभी लोगों को आपको टैक्सेबल करना है मतलब आपको तीनों के कॉलम्स में अमाउंट लिखना है जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रूल नंबर वन क्या याद रखना है आपको रूल नंबर वन है इंडिया में रिलेटेड इनकम रहा इंडिया से रिलेटेड इनकम रहा सब में लिखना है रूल नंबर टू फॉरेन इनकम अब हम फॉरेन इनकम की बात करेंगे इनकम एक्रूविंग और अराइजिंग आउटसाइड इंडिया फॉरन इनकम समझो आपने पैसे कमाए इनकम अर्न इन स्विटरलैंड तो आपको क्वेश्चन में दिया गया इनकम अर्न इन स्विटरलैंड तो जब भी कोई फॉरन इनकम होगा आपको खुद को दो क्वेश्चन पूछने हैं ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको मिले तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे पहला पॉइंट इनकम अर्न इन स्विटरलैंड अगर स्विटरलैंड की बात कर रहे हैं तो स्विटरलैंड इज अ फॉरिन कंट्री इसका मतलब कौन सा इनकम है फॉरिन इनकम है अगर फॉरेन इनकम की अगर हम बात करें तो फॉरेन इनकम रहा तो पहला क्वेश्चन पहला सवाल खुद को पूछना है क्या कंट्रोलिंग इंडिया से है अगर कंट्रोलिंग इंडिया से है तो फर्स्ट और सेकेंड में टैक्सेबल होगा दैट इज बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तो फर्स्ट में टैक्सेबल होगा सेकेंड में टैक्सेबल होगा थर्ड में नॉन टैक्सेबल होगा आई रिपीट अगेन ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है अगर फॉरेन इनकम है और कंट्रोलिंग इंडिया से है तो दोनों में आएगा जैसे एग्जाम्पल इनकम अर्न इन स्विट्ज़रलैंड बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम मुंबई तो देखो इनकम किधर का है स्विट्जरलैंड का है कंट्रोलिंग किधर का है मुंबई का है मुंबई इंडिया है इसीलिए कंट्रोलिंग अगर इंडिया से होगा तो फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी में आपका टैक्सेबल हो जाएगा थर्ड में नॉन टैक्सेबल होगा नेक्स्ट इज फॉरेन इनकम मतलब कंट्रोलिंग इंडिया से नहीं है सिर्फ इतना ही दिया है इनकम रिसीव्ड इन स्विट्जरलैंड या इनकम रिसिव्ड इन जर्मनी इनकम रिसिव्ड इन इंडोनेशिया कुछ भी दिया होगा जो फॉरिन कंट्रीज है उनके नाम अगर आएंगे तो इनकम रिसिव्ड इन फॉरिन कंट्रीज एनी थिंग स्पेसिफाइड दैट इट इज बीन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया पहले दो में आएगा एंड कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो सिर्फ हमको फर्स्ट में टैक्सेबल करना है बाकी दोनों में नॉन टैक्सेबल करना है सो so, अगर इनकम रिसिव्ड इन रशिया इतना ही दिया तो टैक्सेबल फॉर फर्स्ट सेकेंड को नॉन टैक्सेबल थर्ड को नॉन टैक्सेबल अगर दिया इनकम रिसिव्ड इन इनकम रिसिव्ड इन जर्मनी कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया तो फर्स्ट में टैक्सेबल सेकेंड में टैक्सेबल थर्ड में नॉन टैक्सेबल और एक एग्जाम्पल लेते हैं इनकम रिसिव्ड इन यूएस बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम डेली तो फिर फर्स्ट में आएगा सेकंड में आएगा थर्ड में नॉन टैक्सेबल हो जाएगा सो so आपको याद रखना है ओनली फॉरेन इनकम रहा तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है खुद को क्या कंट्रोलिंग इंडिया से है और अगर कंट्रोलिंग इंडिया से है तो फर्स्ट में और सेकेंड में आएगा थर्ड में नहीं आएगा और अगर कंट्रोलिंग इंडिया से नहीं है तो ओनली फर्स्ट में लिखा जाएगा दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम विच नीड टू कॉन्सेंट्रेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट विच बिकॉज इसी से आपका पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड सॉल्व होगा आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करेंगे तीन टोटल नोट्स ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने बिकॉज ये नोट्स अगर हम देखें तो इससे रिलेटेड भी पेपर में पॉइंट्स पूछे गए हैं डिविडेंड फ्रॉम इंडियन बी लर्निंग सेक्शन टेन हम पूरा सेक्शन टेन का एक सेशन लेने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट है और मैं इस तरीके से आपको सेक्शन टेन करवाऊंगा कि सारे के सारे सेक्शन टेन के सेक्शंस आपके बाहट होंगे जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है टेन थर्टी फोर टेन थर्टी फाइव वैसे टेन वन से लेके हम टेन थर्टी फाइव टेन थर्टी सिक्स तक एक एक करके सारे सेक्शन पढ़ने वाले हैं सो टोटल थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट वाइल सॉल्विंग द स्कोप ऑफ टोटल इनकम नंबर वन डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज इज एक्ज एग्जेप्ट का मतलब होता है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा कौन सा सेक्शन है अंडर सेक्शन टेन थर्टी फोर पास्ट अन टैक्स प्रॉफिट ब्रॉड टू इंडिया इज नॉट टैक्सेबल मतलब जो पिछले प्रॉफिट्स है वो अगर वो अगर लाए हैं तो दैट विल बी नॉट टैक्सेबल एंड नंबर थर्ड डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई म्यूचुअल फंड्स इज एग्जेमट अंडर सेक्शन टेन थर्टी फाइव सो म्यूचुअल फंड्स और यूटीआई uh, का जो डिविडेंट है वो भी एक्जेंप्ट होगा टेन थर्टी फाइव में डिविडेंट फ्रॉम इंडियन कंपनीज भी एग्जेम्ट होगा टेन थर्टी फोर में और पास्ट अन टैक्स प्रॉफिट जो रहेगा वो भी एक्जैम्ट होगा मतलब वो भी नॉन टैक्स से बोलोगा इन द करंट ईयर तो ये तीन पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं वाइल सॉल्विंग Uh, जी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्कोप ऑफ टोटल इनकम दैट सेट दिस वॉज द वीडियो सो अगर वीडियो अच्छा लगा है अभी तक देखा है तो लाइक करे uh, जो क्विज में आज भेजने वाला उसमें टेन क्वेश्चन है ध्यान से सॉल्व करे बिकॉज अभी कुछ लेवल बढ़ने वाला है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन तो अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन राइट आएंगे आई हैव प्रिपेयर टेन क्वेश्चन फॉर दिस स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्विज इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस टेन क्वेश्चन देन द चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड इफ यू रियली लाइक इट लाइक like करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिकॉज मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस सिंपल तरीके से इस चैनल पे लाता रहता हूं टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर